और आज का ये जो टॉपिक है इसमें तो इतना कंफ्यूजन कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि हदीस से ही आप लोग तो बता रहे हो कि ये मतलब पीस, मर्दों की पावर, ये सब क्या है, मतलब क्यों हर जगह ये क्यों डिस्कशन होता है हदीस में। इसके अलावा और भी तो बहुत सारी चीजें है ना डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन ये आपको क्या फील हो रहा है इसको देख के? क्या आपको फील हो रहा है कि ऐसी कोई चीज होनी भी चाहिए? लॉजिकल तो नहीं है ये बिल्कुल भी, क्योंकि एक इंसान में अगर इतने लोगों की पावर होगी तो वो सामने वाले के लिए अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, लाइक उनकी वाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा ये बिल्कुल भी। सही हो गया। तो नाउ विद दैट वही बीइंग सर मैं बोल सेड, रहा था ना रुबीना जी हाँ मैं वही सुन रही हूँ कब से, लेकिन किसी के समझ ही नहीं आ रही है। वो लोग बहुत ही मतलब पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगा रहे हैं। फिजिकल फिटनेस होती है तभी होता है ये वो, ऐसा जरूरी नहीं है कि फिजिकल फिटनेस वाले ही वैसे होते हैं। एंड आई फुली एग्री विद यू, बट एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम इज कि ऐसा लिखा हुआ है। तो अब चूंकि ऐसा लिखा हाँ हुआ है, वही तो असल में बात यही है ना। देखें, मैंने ये बात कई दफा कही भी है, और मेरी इस बात पे लोग बड़ा गुस्सा भी करते हैं। और बात मैंने ये कही भी है कि अगर आप इस्लाम में देखें तो लोग कहते हैं इस्लाम में सेक्स के अलावा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं है। आप लोग कहते हैं नहीं, इतना सारा कुछ तो है। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें, नबी को सेक्स के अलावा क्या मिला? जरा आप ये सोचें जरा। बिल्कुल। और हर जगह मैंने जहां पर भी पढ़ा है वहां पर मैंने यही देखा है कि अगर नबी से कोई मिस्टेक हो रही है तो वहां पर उनको हमेशा बचाने के लिए ही आए थे हैं, कभी उनको ये बोलने के लिए कोई आयत नहीं है कि आपसे कुछ गलती हो रही है तो आप उसको ठीक कर लो या आपको उसको सही कर लो, नहीं, हमेशा उनको बचाने के लिए, चाहे वो जैनब, हजरत जैनब का वो हो वाकया हो, या फिर वो सफिया का वाकया हो, या फिर ये हजरत आयशा का वाकया हो जब उन पर इल्जाम लगा था, हजरत आयशा पर जी जी कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर पे जो इल्जाम एसेसिनेशन लगा था जी 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 उस वक्त भी यही चीज हुई थी। मतलब उन नबी के बचाव में मतलब चीजें हो रही है हमेशा, कभी ऐसी चीज नहीं हो रही है जहां पे उनको रोका जा रहा है कि आपसे गलती हो रही है आप मत करो। बेहतरीन हो गया। तो इससे तो साबित क्या हुआ? अब ये सोचें जरा, जल्दी से सोच के बताएं, इससे साबित क्या हुआ? साबित तो यही है कि मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो एक इंसान के ही अकॉर्डिंगली हो रहा है, वो जैसा चाह रहा है वैसा हो रहा ठीक हो गया। तो इससे साबित क्या हुआ? है। साबित तो यही हो रहा है कि फिर उन्होंने अपने हिसाब से ही कुरान में जो भी मतलब है चीजें वो उन्होंने अपने फायदे के लिए या अपने लिए पॉजिटिव रखी है हर जगह पर आयतों को। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर ये देखें कि एक बंदा जो है वो हर चीज अपने लिए बना लेता है और कह देता है कि अल्लाह की तरफ से आया है, तो क्या आपको लगता है कि ये ऐसा बंदा नबी हो सकता है? वही वही चीज है कि नबी का तो कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो मतलब लोग उसकी तारीफ करें, और अभी जो सब चीजें सुनने में आ रही है और पता चल रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब उस इंसान को सेक्सुअल चीजों के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो दोबारा से सोचने पे आपको मजबूर करते हैं एक दफा फिर। अब ये सारा कुछ देखने के बाद क्या लगता है आपको कि ऐसा बंदा नबी कहलाने के काबिल है? सही तो है ना कि नहीं होना एंड नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए। एक नबी का नहीं, कैरेक्टर, एक हाँ, नबी नहीं को होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना होना चाहिए, चाहिए। नहीं, बेशक नहीं होना चाहिए। नाउ लेट मी आस्क यू अगेन, आप अभी भी जो है ना सीधा आंसर नहीं ना दे रही, नहीं होना चाहिए, नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि ऐसा शख्स नबी हो अगर मैं सकता है? हदीसों के ऊपर जाऊं, अगर हदीसों पर जाऊं तो देखिए हदीस ने तो उनको नबी ही कहा है, तो अगर मैं कहूंगी कि नहीं है वो तो मेरे नहीं कहने से तो नहीं हो जाएगा ना, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके नहीं, हदीस आपसे तो पूछ रहा हूँ मैं, हदीस को छोड़ देना। अब हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने हदीस पढ़ ली, ठीक है? हदीस नहीं, हदीस से पढ़ ली, ठीक है? अब इतनी जी। हदीस से पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, ऐसा शख्स नबी हो सकता है?
नहीं हो तो नहीं सकता है, लेकिन अब बेहतरीन हर जगह बेहतरीन वो चीज हो, जी जी बोलिए। हर जगह मतलब उनके बारे में जो भी मतलब पढ़ने में आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि मतलब कहीं पर भी उनसे कोई गलती हो रही है तो उनको रोकने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने कभी ये नहीं बोला कि कहीं से भी गलती हो रही है तो उनको रोकने के लिए क्या हो जाता है, फौरन से पहले क्या हो जाता है, एक आयत आ जाती है अल्लाह मियाँ की तरफ से, और अल्लाह मियाँ की जो आयत हाँ आती है भाई वो उनको बचा लेती है, उनको सेक्स भी दे देती है, उनको हरकत को भी जस्टिफाई भी कर देती है। तो क्या आपको लगता है कि नबी कभी गलती नहीं कर सकता? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या नबी इंसान होता है या नहीं। नबी रोबो को होता है? नबी इंसान ही है ना, इंसान ही है वो, तो ओके उनसे भी सो गलतियां हो नबी सकती परफेक्ट। हैं। सो अगर नबी इंसान ही है और नबी का काम है मैसेज लोगों तक पहुंचाना, तो ऑब्वियसली नबी गलती भी करेगा बीइंग अ ह्यूमन, करेक्ट? हाँ बिल्कुल, ओके नाउ लेकिन अगर नबी साथ में गलती करे, फौरन से पहले अल्लाह कहते ये लो पकड़ो, मैंने इस चीज को तुम्हारे लिए सही कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि वो झूठा नबी है? क्योंकि गलती को गलती मान के सॉरी करना एक अच्छे शख्स की निशानी होता बिल्कुल है। नाउ तो कुरान में जितनी भी जगह मोहम्मद को डिफेंड किया गया, वो डिफेंस इस चीज की वाजह निशानी है कि नबी नहीं था, वो दो नंबरी कर रहा था। हदीसों के अंदर ये जो हदीसें हैं, जो इनकी सेक्स की हदीसें हैं माशाल्लाह से सुभान अल्लाह से, जो कि 33:50 कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 50 से भी मिलती हैं, कि नबी तुम जितनी मर्जी औरतें पकड़ लो, जो जो औरत अपने आप को हिबा करना चाहे तुम उससे सेक्स कर लो। ये मुझे बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा नबी होगा जिसको औरतें दी जाएंगी, और ये खालिस्तन तुम्हारे लिए, कौन। खालिस्तन तुम्हारे लिए। और कौन सी औरतें? मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, फीमेल औरतें, मुस्लिम औरतें, के सेक्स स्लेव जो है वो उसमें पहले आता है कि तुम चाहो जिन मर्जी स्लेव से सेक्स करो, ये पहली पहला पार्ट है उस आयत का। दूसरा पार्ट ये है कि जो मुस्लिम औरत तुम्हें अपना आप हिबा करे, तोहफे में दे दे, तुम उसका डिंगी डिंगी कर लो, सेक्स कर लो, और वो उसके बाप की परमिशन की जरूरत भी नहीं है उस चीज के लिए। सो मुझे बताइए कि नबी को ये वाला सेक्स हिबा वाली औरतें देने का क्या फायदा है? इज देयर एनी बेनिफिट फॉर नबी का मैसेज पहुंचाने के लिए? नबी ने मैसेज बातों से पहुंचाना था या सेक्स से पहुंचाना था? वही है ना, तो इस हदीस में मतलब औरतें अपने आप ये हदीस नहीं, को कुरान की आयत है, चैप्टर अल्लाह के नंबर मैसेंजर थर्टी को, कि थ्री अल्लाह के मैसेंजर को सौंप दे, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए सौंप दे, या फिर मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई हम नहीं, नबी सेक्सुअल के रिलेशनशिप है जैसे ना, वो हिबा है मुरीद होते हैं। ना, ना ना हिबा है उसी के ओके लिए। तो उसी के लिए तो हदीस ओके है बुखारी की, जब हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैं देखती हूँ, मैं किस, वो कहती है शुरू में, हदीस कैसे शुरू होती है, हदीस से शुरू होती है कि मैं समझ नहीं पाती थी कि एक पाक दामन औरत अपना आप कैसे तोहफे में दे सकती है, ये तो प्रोस्टिट्यूशन है। और फिर कुरान की आयत नाजिल हो जाती है, तो फिर हजरत आयशा फरमाती है कि मैं देखती हूँ कि तेरा रब, वो ये नहीं कहती अल्लाह मियाँ, वो ये नहीं कहती हमारा रब, वो कहती है तेरा रब जो है वो तेरी ख्वाहिशात पूरी करने में जल्दी करता है। यू सी द प्रॉब्लम, लाइक आयशा को भी पता लग हाँ भाई, गया कि ये हमारा रब नहीं है, ये दो नंबरी कर रहे ला। आयशा ने पोल खोल दिया वैसे आयत में, आयशा ये नहीं कहा कि हमारा रब, आयशा ने कहा तेरा रब। तो और अब आप बताइए। सबसे ज्यादा अगर नबी के बारे में कोई मतलब ये पर्सनल बातें अगर किसी ने बताई है तो वो आयशा ने ही बताई है, क्यों बताइए? और थिंक अबाउट इट, थिंक बहुत ज्यादा आगे ना जाए, पर्सनल थिंक बातें बताई है। अबाउट इट कि क्यों बताइए, हाँ वही, क्यों मतलब कोई अपनी क्यों पर्सनल लाइफ की ऐसी बातें क्यों क्यों शेयर थिंक कर रहा है? अबाउट इट, सोचो सोचो, लेट्स सी कि आपका दिमाग ओपन हुआ कि नहीं हुआ। थिंक अबाउट इट, क्यों बताइए आयशा ने इतनी सारी बातें, और इतनी गंदी गंदी बातें क्यों बताई हैं, और ऐसी बातें जिससे मोहम्मद एक्सपोज हो जाए और साबित हो जाए कि वो प्रॉफिट नहीं है, क्यों बताई हैं? वही तो देखना है कि इसको कैसे इसलिए कि समझे आयशा, मतलब। आयशा की शादी जो थी, मंगनी जो थी, वो उससे 3 साल बड़े लड़के के साथ हुई हुई थी मंगनी, ठीक है, तीन या चार डिपेंडिंग ऑन के किस तफसीर, किस सीरा के रेफरेंस को आप लेते हो,
ठीक है, उसके हम उम्र से उसको फंसा दिया गया 53 साल के बाबे से। अब आप खुद देखो कि 9 साल की बच्ची के ऊपर अगर 53 साल का बाबा चढ़ा होगा तो उस बच्ची का क्या हाल होगा, थिंक अबाउट इट। ठीक है, 9 साल की बच्ची के ऊपर अगर 55 साल का बाबा चढ़ जाए, आप फीमेल हो, आप इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से जज कर सकती हो, और अगर आपके कोई कजन वगैरह हैं जो कि 9 साल के होंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से जज कर सकती हो इस बात को। ठीक है, अच्छा, अब अगर 9 साल की बच्ची के ऊपर 53 साल का बाबा चढ़ा होगा तो उसका क्या असर होगा, एंड येट वो कुछ कह नहीं सकती। अगर वो माँ बाप के सामने रोएगी भी तो माँ बाप क्या कहेंगे, नबी है, नहीं कहना, कुछ नहीं कहना इसके बारे में, क्या कर रही हो, हमें बर्बाद कर दोगी, हमें ये कर दोगी, वो कर दोगी। अब उसके पास कोई और तरीका नहीं रह गया कि वो क्या करे, कि साबित करे कि ये झूठा है, मक्कार है, नबी को ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने वो बातें खोल खोल के बयान की हैं जो कि किसी और बीवी ने नहीं की, क्योंकि वो इतनी छोटी थी। उसने कहा कि इसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, लेकिन शायद आने वाली नस्लों की जिंदगियां मैं बचा सकूं। लाइक थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल, लाइक शी कांट डू एनीथिंग अदर देन दिस। अब आप देखो कि 18 साल की उम्र की होके नबी मर गया, उसका खावन मर गया, अब वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती। अगर आप हदीसों का सिलसिला देखो, हदीसों का सिलसिला कब आता है, जब वो 13-14 साल की हो चुकी हुई, अगर आप देखो मेजर हदीसें उसके बाद आती हैं, जब लोगों ने उसको देखा, उन्होंने कहा मोहम्मद जब तू मरेगा ना, तू हमारी, जब हम में से कोई मर जाता है तो उसकी बीवी से, उसकी उससे शादी कर लेते ना, जब तू मरेगा हम तेरी इस बीवी से शादी करेंगे। ठीक है, मोहम्मद ने कहा नहीं, तुम जो हो ना, मेरी सब बीवियां तुम्हारी माँ हैं, तुम सबकी माए हैं। अब 14 साल की 13 साल की बच्ची को माँ बना दिया। ठीक है, अब इसी के पास इसकी अपनी सहेलियां आके से कह रही हैं अम्मा आयशा, तो अम्मा आयशा के मुंह की अपनी हदीस है जो कि लिखी हुई है, वो कहती हैं दुरे मंसूर के अंदर, ये कहती हैं ओए मैं मर्दों की माँ हूं, तुम औरतों की माँ नहीं हो, मुझे मत मांगो। आप खुद देखो वो बच्ची के दिल पे क्या गुजर रही होगी, जिसको उससे 5 साल 7 साल 8 साल बड़ी लड़की औरत माँ कह रही है, वो दिल वो क्या कह रही है? चुप, मैं औरतों की माँ नहीं हूं, मुझे मत माँ कह तू, मैं मर्दों की माँ हूं, फीमेल्स की माँ नहीं हूं। मोहम्मद ने कहा था मर्दों की माँ है तू सबकी, फीमेल्स की नहीं हूं। ये आयशा की अपनी हदीस है। सो इमेजिन कि वो बच्ची कितने कर्ब में मुबतला होगी उस वक्त, किस कर्ब से गुजर रही होगी। तो उसने वो बातें खोल खोल के बयान किए हैं कि दुनिया को लग पता जाए और दुनिया शायद समझ जाए। Now think about it. Do you still want to stay in this cult? अभी तो मैं जाहिरी तौर पर इसको नहीं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था फैमिली का थोड़ा। नहीं नहीं, फैमिली मैंने ये नहीं कहा कि आप फैमिली को जाके ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर दें मैंने इस्लाम छोड़ दिया। हाँ हाँ। I said go study and first of all you need to realize and you need to be 100% sure कि यार ये this is one of the most stupid idiotic cults in the history of stupid idiotic cults। अगर आप उस जगह पे आ चुकी हैं तो that's fairly good enough। So what do you think, is this idiotic cult? Idiots ही होगा जो सब कुछ पढ़ के इसमें रहेगा। What do you think? बिल्कुल, अगर सब कुछ जान गए हैं तो फिर follow करने का कोई मतलब नहीं है। बेहतरीन भाई लोगों, हमारी बहन के लिए फूल फेंके। थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे आपको कहने की जरूरत नहीं है, कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, वरना थैंक यू सो वेरी मच। मेरे मुताबिक आप बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हैं, आपको इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। साहिल चले गए? नहीं, आप लोगों की डिस्कशन सुनते सुनते मैंने पेट पूजा कर ली। जी रुबीना जी, कुछ पूछ रही थी आप। हाँ, आप अभी वो इंडिया के जो एशियंट सब ये है ना, उसको सबको डिस्कवर कर रहे हैं ना। जी जी। तो अभी आपका क्या इरादा है, मतलब आप कोई रिलीजन फॉलो करने वाले हैं? नहीं नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है रिलीजन का। आई विल बी एज इट इज। ओके, तो मतलब आप वो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं? जी जी, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सी, आप देखिए, आप ये सोचिए
कि जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वो इस वजह से है क्योंकि वो हमारा कल्चर रहा है. वी आर फ्रॉम इंडिया राइट. वो हमारा कल्चर रहा है. और देखिए आप इस तरीके से भी देख सकती है कि एक जगह पे ये कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल है, दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि ये बेस्ट ऑफ जनरेशन है, तीसरी जगह मोमिनों का ये दावा होता है कि इसमें साइंस है, ये साइंस है, वो साइंस है, ब्लैक होल है, और ये क्या कहते हैं उसको, फिंगरप्रिंट्स का है. और उसके बाद तो साइंस से तो ये बहुत ही अलग है. हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ कि क्लेम किया जाता है कि इसमें ये है, कॉस्मोलॉजी है और फलाना डिमकाना सब है, क्लेम है. लेकिन आप वहाँ सभ्यता देखो, वहां का कल्चर देखो, वो सिर्फ आपको लड़ाई झगड़े में आगे मिलेंगे और आर्किटेक्चरल कुछ एडवांसमेंट आपको नहीं दिखेगा. ना घर बना, ना मतलब वो कोई डिजाइन था उनके पास, ना कुछ बनाया था. ठीक है, अब कंपेयर करो इधर हमारे हिंदुस्तानी कल्चर से. यहाँ पे आप देखिए जो मैंने केव्स का और जो टेंपल का वो कवर किया था ब्लॉग में, आप देखो 1700 साल पहले डेट बैक हुआ है. 1700 साल पहले, 1700 साल पहले एक पहाड़ को तराश के उसमें से, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ आना, किस तरीके से हम लोग कितने एडवांस थे, आप उसको इस हिसाब से लो कि हमारे जो कल्चर था, हमारे जो लोग थे वो कितने एडवांस थे. उसको आप रिलीजन वाइज मत लो. हाँ ये तो है आर्किटेक्चरल. कई सारी जगह को एक्सप्लोर करूंगा मैं. चलिए अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना जी. जिस तरीके से पहले आपके दिमाग में अपंग लगा हुआ था वो अब निकल चुका है. मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाकी हमारे मोमिन हजरात हैं उनके जहनों से भी अपंग निकलेगा और वो एक अच्छा इंसान बनेंगे. थैंक यू सो वेरी मच रुबीना जी. अपना ख्याल रखिएगा और सेफ्टी का भी ख्याल रखिएगा. और आगे आपकी जो भी जिंदगी, आप मैरिड है नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन अगर आप शादी का इरादा भी करें तो बहुत सोच समझ के हम ख्याल इंसान के साथ आप करिएगा. जी अभी तो मैरिड नहीं हूँ, आगे का प्लान की जरूरत भी नहीं है. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अपनी रुबीना जी कुछ भी नहीं करना. मैं एक चीज बता रहा था कि जैसे कि तभी कई सारे लोगों का, लड़कियों का, मुझे जो एक्स मुस्लिम्स होती है उनका मैसेज आते रहता है, एक्स मुस्लिम्स मर्द हजरात का भी आता है. एक था कि भाई जब बंदे ने शादी किया तो उसको एज इट इज उसने एक्सेप्ट किया, वो बुरखा नहीं पहनती थी, हिजाब नहीं करती थी, और उसने ये बोला भी था कि भाई मैं शादी होने के बाद भी नहीं पहनूंगी. उसने बोला हाँ तू जैसी है वैसी आई एम एक्सेप्टिंग यू. लेकिन जैसे शादी हुई, घर लाए, थोड़े दिन में परेशान करना शुरू कर दिया कि यार प्लीज मैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है तेरे बुरखा नहीं पहनने से, लेकिन मेरे घर वालों को है, तू प्लीज बुरखा पहनना स्टार्ट कर. उसको बुरखा पहनना फिर से स्टार्ट करना पड़ा. तो ये चीजें होती है. इस वजह से आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एक इंसान जो पहले आपको बोल रहा है हाँ 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 ऐसी ठीक है, आगे जाके घर वाले के प्रेशर में आके या इस तरीके से वो आपकी जिंदगी हेल बना देगा. तो कोशिश करे कि हम ख्याल लोगों से ही, अगर आप शादी कर दे तो हम ख्याल इंसान से ही करिएगा और अपनी जिंदगी बेहतर बनाइएगा और अच्छे से जिंदगी गुजारिएगा. बहुत शुक्रिया रुबीना जी. जी 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 ओके. और एडम अपना ख्याल रखो. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. आप भी जी थैंक यू जी ओके. हजरत अपना एडम साहब, आज पता है आपको ये चौथी विकेट डाउन थी. जी जी सर, मैं सुन रहा था. पहली दो देखी है मैंने, तीसरी नहीं देखी. स्टार्टिंग के तीनों आए. अच्छा मैं इंतजार कर रहा हूँ वो हमारे शिया भाई का. यार आपको बोला था, आप कहाँ है अभी, जल्दी से आओ. रुबीना जी के लिए एक्स मुस्लिम अब्दुल जी का मैसेज है. भाई माय फ्रेंड इज हिंदू एंड डेंटिस्ट एंड अंडर 30, शी कैन मैरी टू हिम. जय हिंद. अच्छा लेकिन आई इतना जल्दी अब्दुल भाई, इतना जल्दी कौन रिश्ता लगाता यार. मेरे पास आपका ईमेल आईडी है और कभी
कुछ ऐसा जरूरत पड़ी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। ओपनर आइस भाई कह रहे दिस इज फॉर एडम द वे ही एक्सप्लेन थिंग्स एंड यू मैन लव यू ब्रदर थैंक यू सो वेरी मच लव यू टू ब्रदर ओपनर लॉन्ग टाइम हां बड़े दिनों बाद आए ओपनर आइस भाई। कृष्णा कुमार कह रहे हैं टुनाइट्स एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय नाइट राइडर हर्बल जापानीज डबल एक्सप्लोजन पाउडर पावर पाउडर। ये तो ले लिया हमने। फिनटेक भाई कह रहे हैं रोज ले लो रूबीना दीदी वेलकम टू काफिरीन थैंक यू फिनटेक भाई। अरे यार एक जो अमित ऑरेंज कलर का एक डॉलर में सुपर चैट था वो मुझसे अनमार्क हो गया है। देखो इसमें अगर है तो ले लो, कुछ $20 का था मेरे ख्याल से, एक बार चेक करो। वर्ल्ड इज फैमिली एडम इक्वल टू 30 मोमिनों की ताकत। हाँ ये एकदम सही है। दीप सिंह थैंक यू सो वेरी मच। हिंदू सनातनी भाई कहे साहिल तेरी स्ट्रीम पे एमडी का स्टेमिना कैलकुलेशन वाइफ को बताया तब से वो बात नहीं कर रही, लास्ट बस इतना बोला और तुमको देखो साला तू मेरा डिवोर्स कराएगा। केशव जी न्यू मेंबर बने थैंक यू। हिम छेत्री भाई कह रहे मैं नहीं बताऊंगा मुझे नहीं उड़ाना, मजाक नहीं उड़ाना, ये बातें बताई नहीं जाती।